इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच की समानता और डिफरेंसेस को समझेंगे। सभी सेल्स या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म्स को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म्स को यूकैरियोट्स कहते हैं। बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि पेड़ पौधे, जानवर, फंजाई और अन्य सभी ऑर्गेनिज्म्स यूकैरियोट्स हैं। अगर जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लियर एनवेलप में बंद होता है तो ये एक डेफिनेट न्यूक्लियस बनाता है। इस तरह की सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसमें कोई डेफिनेट न्यूक्लियस भी नहीं होता। डीएनए साइटोप्लाज्म में ही रहता है। एक न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये वास्तव में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये केवल उस एरिया को डिनोट करता है जहां डीएनए होता है। प्रोकैरियोट्स सबसे पहले विकसित होने वाले जीव थे और आज भी ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव हैं। ऐसा माना जाता है कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से ही विकसित हुए हैं। यानी न्यूक्लियस एक सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, ये जानने की महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन कुछ और ऑर्गेनल्स भी हैं। ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर वे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेसिफिक कार्य करते हैं, जैसे एनिमल सेल को एनर्जी प्रदान करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल्स में विभिन्न ऑर्गेनल्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल राइबोसोम्स नामक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स में प्रोटीन्स बनते हैं। ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बैक्टीरिया उनके बिना रह सकते हैं क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हमारे आंखों से देखे जाने के लिए तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना में वे काफी बड़ी होती हैं। ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को व्यवस्थित करने का एक इफिशियंट तरीका है। विभिन्न ऑर्गेनल्स अलग अलग प्रोसेसेस को पूरा करते हैं। लेकिन बड़ा हमेशा बेहतर होगा ये जरूरी नहीं है। छोटा आकार और सिंप्लिसिटी प्रोकैरियोट्स के लिए एक एडवांटेज है। ये उनकी जीवन शैली को सूट करता है। छोटे होने के कारण इनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है और इसलिए वे तेजी से बढ़ने के लिए जरूरी अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो अब हम जान चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस और अधिकांश ऑर्गेनल्स नहीं होते। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय होते हैं। वे उन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के रूप में डिफाइन होते हैं जिनमें एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स यूनि या मल्टीसेल्यूलर दोनों हो सकते हैं। तो ये थे हमारे न्यूक्लियस फ्री प्रोकैरियोट्स और न्यूक्लियस युक्त यूकैरियोट्स।